7001 सिंजेंटा कंपनी का धान जो है, ये मैं पिछले 3-4 साल से लगा रहा हूँ। इस धान में सबसे अच्छी विशेषता ये है कि ये धान पतला, थोड़ा पतला होता है, मीडियम क्लास का धान है और खाने में अच्छा है। और इसके कल्ले बहुत ज़्यादा आते हैं और सारे कल्ले में भरपूर दाने होते हैं और इसको खाने में बहुत लजीज और चिपचिपा नहीं होता है। बना के रख दो फिर भी वो 2-4 घंटे के बाद खाओ फिर भी एकदम भर भरा होता है। 7001 3 साल से लगा रहे हैं, अधिक पैदावार मिल रही है उसमें हमें। उसकी बाली 435 से 440 दाने रहते हैं, दाने उसके भरे रहते हैं। चावल खाने में स्वादिष्ट होता है और चावल बनाने के बाद उसमें चिपचिपाहट नहीं होता है, चावल अलग अलग रहते हैं। हमने इस साल यह 7001 धान लगाया है जो कि बहुत ज़्यादा कल्लों के साथ उसका विकास हुआ एवं उस सब और सबसे उसकी बेहतरीन बात यह है कि उसकी बालियों में 400 से लेके 500 तक दाने हो गए हैं जो कि बहुत ही सघन हैं। और हमको 27 कुंटल एकड़, क्योंकि ये सूखा में भी ज़्यादा सहनशीलता है, इसके अंदर रोग कम है और इसकी बालियां सबसे बड़ी और दाने सबसे मजबूत और पूरे भरे हुए दाने मिले हमको। किसानों के समृद्धि का राज धान का बासा 7001 सिंजेंटा का 7001 मेरे गांव का बासा यस 7001 किसानों की दिलों की धड़कन धान का बासा यस 7001 यस 7001 यस 7001 मेरे गांव के किसान धान का बासा यस 7001 बहराइच जिले का धान का बासा 7001 सर्वगुण संपन्न धानों का बासा यस 7001 किसानों का बादशाह धान का बादशाह यह 7001 किसान धान का बादशाह यह 7001 खेतों का बादशाह सभी किसानों का बादशाह गांव का बादशाह जनपद का बादशाह प्रदेश का बादशाह धानों का बादशाह यह 7001 यह 7001 यह 7001 धान का बादशाह यह 7001।